बोल रही है ना तू, गाल सुन। देखो देखो मुझे ये बता, बिजली आ गई, चलो कांग्रेस का थर्मल प्लांट लगा ले कोई बात नहीं, ठीक है, बिजली आ तो रही है ना, ये तो मान रहे हैं। दूसरी है बेटा, तुम नौजवान है बेटे, तुम्हारे यहाँ पर कितनी नौकरी लगेगी ये बता दे। नौकरियों का तो सच बोली नहीं, सबसे ज्यादा यूथ बाहर गया जो इन 5 सालों में गया, सच्चाई बात है ये। सबसे ज्यादा यूथ बाहर गया, सबसे ज्यादा नौकरी भाजपा सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची से मिली है, वो मिली है नहीं, बात सुना भाई, फार्म भरे गया नौकरी बता दे किसको मिली। एक उन्होंने सैनी बिरादरी के अलावा किसी बिरादरी का कोई काम नहीं किया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ यहाँ इस एरिया में कितनी नौकरियां लगी। मेवा सिंह और जो सैनी साहब हैं इनकी बराबर की टक्कर है। विपक्ष का नेता है वो, कोई पक्ष का कोई एमएलए तो है ना। अरे विपक्ष का है, तू किसका है, तू नवीन जिंदल लाए टी शर्ट का को मरते तो कोई सा दे दे उसी की पैर खा देंगे हम तो। अभी हम खड़े हैं लाड़वा के सबसे व्यस्तम चौक पर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, जो सबसे बिजी चौक है इस एरिया का, और हम शुरुआत यहीं से करेंगे और आपको लाड़वा की एक एक क्वेश्चन बताएंगे कि यहाँ की जीरो लेबर रिपोर्ट क्या है, और ये सर्वे टोटली जनता का सर्वे है। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम खड़े हैं लाड़वा के अंदर, लाड़वा जो सबसे हॉटेस्ट सीट है हरियाणा की, यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी खड़े हैं और उनके ऑपोजिशन में खड़े हैं कांग्रेस के मेवा सिंह जी, और हमारे बीच में जनता जुट चुकी है। नमस्कार जी, मैं ज्ञानी राम नरवाणा से हूँ, मैं कश्यप समाज से हूँ, मैं सिर्फ यह जानकारी लेने आ रहा हूँ भाई, सरकार होते हुए इतनी कठिनाई इतनी क्यों है ये सरकार। आप ये बताइए जी, टू द पॉइंट बात बताइए कि आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस वक्त हरियाणा में, ये जो मतलब सरकार आएगी बीजेपी आएगी, बीजेपी इन्होंने कह दिया कि बीजेपी आएगी, और हम इनसे पूछेंगे और यहाँ पर लोगों से, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना सर्वे, और टोटली ही ग्राउंड लेवल रिपोर्ट होगी यहाँ पर, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब हम खड़े हैं लाड़वा बस स्टैंड पर, और हमारे बीच में ऑटो वाले आ गए हैं। नाम क्या जी आपका? रिंकू भाई। रिंकू जी कहाँ रहते हो? यही लाड़ुए में रहता। क्या पोजीशन लगती है इस बार इलेक्शन की? बीजेपी लगती है। बीजेपी लगती है। अच्छा ये बताइए क्यों बीजेपी लगती है आपको? रौला बहुत है यहाँ, रौला बहुत है। रिंकू जी ने कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो नायब सिंह सैनी खड़े हैं उनके हम विश्वास दिलाएंगे, और हम आगे चलते हैं। आइए, हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सूरजवान। सूरजवान जी ये बताइए कि यहाँ पर जो हॉट सीट बनी हुई है लाड़वा की, यहाँ से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री खड़े हैं हरियाणा के, और साथ में कांग्रेस के मेवा सिंह जी खड़े हैं, आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हो? ये इलेक्शन जो है ऐसे दो राह पे खड़ा है। अच्छा जी। के इसमें थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच होएगी। हाँ, ऊंच नीच कैसे होगी ये बताइए। ये है कि मेवा सिंह और जो सैनी साहब हैं इनकी बराबर की टक्कर है। अच्छा, टक्कर है यहाँ पर? हाँ, पूरी टक्कर है जी, यानी एक तरफा इलेक्शन नहीं है यहाँ पर, टक्कर है जी। अच्छा जी। एक तरफा इलेक्शन नहीं है। अच्छा, आपका गांव है कोई यहाँ पर? हाँ, गांव बपदा है जी। बपदा हल्का ही पड़ता है लाड़वा। हाँ, यही। अच्छा, अच्छा। गांव की पिशन कैसे, गांव की पिशन बताइए, गांव में क्या पिशन? गांव में तो निष्पक्ष होकर बताए। हाँ, गांव में तो आमतौर से 50% उम्मीद नजर आ रही है। 50% उम्मीद नजर आ रही है आपको? बिल्कुल। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? प्रेमचंद। हाँ जी, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी आप कहाँ रहते हो? लाड़वा जी। लाड़वा, हाँ जी। थोड़ा ऊंची बोलिए। हाँ जी। अच्छा, क्या पोजीशन लगता है इस बार इलेक्शन का? देखो जी, यहाँ तो सैनी साहब जीत रहा है। सैनी साहब क्यों जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, उन्होंने काम किया है, दूसरी पार्टी के बेस पर जीत रहे हैं वो। अच्छा, पार्टी बीजेपी की पार्टी, यानी आप कह रहे हो कि बीजेपी की लहर है यहाँ पर? बिल्कुल है। ठीक है जी, अब हमारे बीच में नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रणवीर चंद। ऊंची बोलिए। रणवीर चंद। गाँव कौन सा? लाड़वा। लाड़वा से हो प्रॉपर। क्या लगता है इस इलेक्शन में आपको? इलेक्शन में बीजेपी बीजेपी आएगी, इन्होंने बीजेपी कहा है, और इन्होंने कहा है कि 50-50% है यहाँ पर इलेक्शन जो अभी अड़ा हुआ है। अब हम आगे पता करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। राम कुमार जी कहाँ रहते हो आप? नवारसी गाँव में। हल्का
कुरुक्षेत्र जिला नहीं हल्का लाडवा है पड़ता है लाडवा में। अच्छा लाडवा से है आपकी दुकान पर, दुकान का शॉट मारिए जरा एक मिनट राकेश जी, आपके पास सभी लोग आते हैं तो आप ये बताइए लोगों का रुझान क्या लगता है इस बार? लोगों को तो पता नहीं जी, मेरे को तो ये पता भी बीजेपी आएगी, मैं तो बीजेपी पे वोट डालूंगा। अच्छा बीजेपी को ये कह रहे हैं मैं बीजेपी को वोट डालूंगा। अब हम आगे चलते हैं, राकेश जी आइए आप जरा इनसे बात कीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्रपाल है जी। महेंद्रपाल जी, गांव हल्का कौन सा आपका? लाडवा। क्या लगता है इस बार इलेक्शन में? क्या कह सका जी, फिर भी क्या आपको लगता है कि आने तो भाजपा चाहिए? भाजपा, ये भी भाजपा के साथ है। हाँ बोलोगे बेटे आप? हाँ जी हाँ। अच्छा बड़े बैठे, इन्होंने बोल दिया है। अब हम यहाँ से सर्वे आप दिखाएंगे डोर टू डोर और दुकानों से कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आइए राकेश जी और हमारे बीच में। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पालाराम। पालाराम जी, गांव कौन सा आपका? गडोला। हल्का? कुरुक्षेत्र लाडवा। लाडवा, लाडवा में क्या लगता है आपको जो हॉट सीट बनी हुई है? यहाँ पर मुख्यमंत्री खड़े हैं बीजेपी से नायब सिंह सैनी और कांग्रेस से मेवा सिंह जी खड़े हैं, आपको क्या लगता है? वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को, ये भी कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी साथ में काम कर रहे हैं और साथ में बताएंगे, क्योंकि ये वो अड्डा होता है जहाँ पर सभी लोग आते हैं। जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो खड़े हैं, दूसरी तरफ मेवा सिंह जी खड़े हैं। आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हो? कैसे कहते, देखो फाइट है दोनों की। फाइट है? फाइट मतलब क्या लगता है? फाइट दोनों में कोई भी जीत सका, कोई भी जीत सका, क्योंकि आपके पास लोग भी आते होंगे ना सारे, आपकी बातचीत करते हैं यहाँ पर बैठकर, एक तरह की ये चुपाल ही होती है, ये जगह जो होती है चुपाल होती है। तो ऐसा है ना, हमारे पास तो सारी पार्टियां के आते हैं। हाँ, हाँ, तभी कह रहा हूँ ना, तभी तो कह रहा हूँ कि आपके पास पता चलेगा। मेन दो जनों का है। दो जनों का है। अच्छा, ये बताइए आपकी दिक्कतें क्या थी, ये बताइए। मरी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल रहा है काम? ठीक चल रहा है। ये कह रहे मेरा वैसे भी काम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम भी ठीक चल रहा है और हम आगे आएंगे। बोलोगे जी आप? हाँ बोलेंगे। क्या नाम है जी आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, गांव कौन सा आपका? बीड़खरी। हल्का? हल्का हमारा यही है कुरुक्षेत्र। लाडवा? लाडवा। हाँ तो आप ये कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, चलो ये कुरुक्षेत्र वाले भी आ गए यहाँ पर। ये बस स्टैंड है लाडवा का, यहाँ पर आपको सभी लोग मिलेंगे। हल्का लाडवा जिला कुरुक्षेत्र। अच्छा हल्का लाडवा जिला कुरुक्षेत्र। आप ये बताइए कि यहाँ पर हॉटेस्ट सीट बनी हुई है जी, भारतीय जनता पार्टी से नायब सिंह सैनी खड़े हैं जी और मेवा सिंह जी आपके खड़े हैं कांग्रेस से जी, तो आप ये बताइए आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हो? सर उम्र के हिसाब से जितना मैं देखता हूँ, जो भी जनता के हित में कार्य करेगा, हाँ ठीक है, उनकी बातें सुनेगा, उनका कोई काम रुको है जो कुछ भी है, तो जनता उसी को पसंद करेगी। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? न्यूट्रल होकर। सर इलेक्शन क्या, बराबर मेहनत कर रहे हैं जी। अच्छा मेहनत दोनों कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, जी अच्छा बिल्कुल जी, मेहनत में कमी नहीं है। अच्छा, बाकी भगवान की मर्जी है जिसके मत्थे चौल लगने। अच्छा ठीक है जी, बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक, धन्यवाद। और हम आगे चलते हैं, ये देखिए ये लाडवा के सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। राकेश जी हाँ, कहाँ का हो? मैं तो यमुनानगर जिले को। यमुनानगर वाले भी आ गए भाई, यमुनानगर वाले भी आ गए। हाँ यमुना, हल्का कौन सा आपका, वहाँ पर खड़े कौन है? रादौर है जी। रादौर से पहले बिश्नलाल सैनी जी से जी, तो आप श्याम सिंह राणा जी हैं जी। ठीक है जी, तो आप ये बताइए कि वहाँ की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, रादौर की पोजीशन बताने चले हैं। हाँ जी, बिश्नलाल सैनी। क्यों बिश्नलाल सैनी क्यों? जोर ज़्यादा है उनका। जोर ज़्यादा श्याम सिंह राणा का नहीं? ना जी, कम है उनका थोड़ा। कम है? अच्छा अच्छा, नमस्कार बेटे, क्या नाम है आपका? नायब सिंह। नायब सिंह, नायब सिंह आ गए हैं, देखो नायब सिंह दूसरे रूप में नायब सिंह पहुंच चुके हैं। अच्छा नायब सिंह जी ये बताइए आपका हल्का कौन सा है? लाडवा। लाडवा, ऊंचा बोलिए नायब सिंह जी। लाडवा, लाडवा। अच्छा ये बताइए आप यूथ हो, आप यहाँ पर क्या उम्मीद रखते हो, जो जो इलेक्शन चल रहा है इसके बारे में बताइए। कि वैसे यहाँ कांग्रेस की और भाजपा का है चुनाव, दोनों का। अच्छा ये मुझे ये बताइए यहाँ की दिक्कतें क्या कहती हैं? दिक्कतें मेन बाईपास की दिक्कत है सबसे ज़्यादा, गर्ल्स कॉलेज की दिक्कत है, हॉस्पिटल की दिक्कत है, और ये दिक्कतें मेन है सबसे ज़्यादा। अच्छा दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें हैं। तो आप उम्मीद करते हो कि आपके जो नया MLA आएगा वो दिक्कतें पूरी करेंगे? नहीं, नया MLA तो हमारा यहाँ से जो विधायक, पूर्व विधायक है मेवा सिंह जी, और उन्होंने कौन कौन से काम कराए हैं? उसने तो हर सबके सुख दुख का साथी रहा है, जैसे गांव में जितना भी उनके पास ग्रांट आई है, विधानसभा में यहाँ के मुद्दे भी उठाए हैं। अच्छा, है। उठाए हैं पूरे सुख दुख के साथ। उनको कितने नंबर दोगे 10 में से? उनको 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10। हाँ, बात करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं नायब सिंह, और नायब सिंह नहीं गायब सिंह है।
वो तेरा नाम भी नायब सिंह है? वो भी गायब सिंह है। तू तो नहीं गायब सिंह है? नहीं, हम वो गायब सिंह है यहाँ से। नायब सिंह 5 साल यहाँ से सांसद रहे, ना तो किसी के सुख दुख में, ना ही किसी की समस्या सुनी, और इसलिए यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीते गए। अच्छा, तो आप हमें बीच में नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी, गांव बताइए। गांव वालड़ी। हल्का? हल्का लाडवा जी। लाडवा से इधर आ जाइए, बस आ रही है इधर। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो इलेक्शन है, हाँ जी हाँ जी, तो इन नायब सिंह जी या जो ये नायब सिंह है, हाँ जी, इन्होंने तो अपने दिल की बात बता दी, हाँ जी, ठीक है। अब आप बताइए कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये हॉटेस्ट सीट है हरियाणा की। हाँ जी, ये कांग्रेस तरफ जा रहा है जी। कांग्रेस तरफ? आप भी इस नायब सिंह के साथ हो? नहीं जी। हाँ नहीं, ये दूसरे का, यहीं से लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, नाम क्या बेटे? विकास जी। विकास, तुम्हारा नाम विकास है? हाँ जी। तो ये बताइए, लाडवा में विकास कितना हुआ? लाडवा में बहुत विकास किया जी, पवन सैनी जी ने भी बहुत काम किए लाडवा में। हाँ जी, और जैसे नायब सैनी, बताएंगे। हाँ बताएंगे, तूने अपनी बात रख दी, अब इनकी बारी है, ठीक है, फिर तेरी बारी आएगी, ठीक है। हाँ बोलो, बताओ भाई। मेवा 5 साल से है, आप बता दो मेवे ने कौन सा काम करा? गाँव में भी दौरा नहीं करे मेवे ने जी। चलो बात सुनो, वैसे बात है जी, मेवे ने गाँव में जितने, चलो बेटे बात सुनो, देख नायब बात सुन, देखो प्यार मोहब्बत एक तरह रखो, आप भाई पहले हो, इलेक्शन तो चले जाते हैं लेकिन प्यार मोहब्बत रखना, हाँ ठीक है ना। हाँ, आप तुम बताओ कि कौन से काम किए? बहुत काम किए जी पवन सैनी ने। दो तीन नाम बताइए। इन्होंने कहा गर्ल्स कॉलेज की, गर्ल्स कॉलेज नहीं है ना यहाँ पर, बाईपास प्रॉब्लम है, तो ये बाईपास का मुद्दा तो शुरू से उठता रहा। उसने पास है वो बन, जैसे इसमें जैसे चुनाव के बाद हो जाएगा, जैसे तहसील का मुद्दा था वो उसमें बैठा। तो आपका गांव कौन सा है? मेरा बीड मथाना गांव। बीड मथाना में क्या पोजीशन है बीजेपी? बीड मथाना में 95% वोट बीजेपी के हैं जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आ जाओ आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलो। यहाँ तो पवन सैनी और नायब सिंह सैनी संसद बनने के बाद मिलने के लिए भी नहीं आए। काम मिलन जाने हो ना, मिलने ही आ रहे हैं दोनों, सारे उरी बैठे हैं। हम मिलने का ही काम, चुनाव के टाइम पे मिलने आएंगे। तू बता भी, तू बता, आज जो कह रहे हैं कि पास हुआ हुआ है बाईपास, ऐसा है विधानसभा में लड़ाई किस बात? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बात सुन, मेरी एक मिनट बात सुन ले। ओ मेरे खट्टर का की होया, खट्टर साहब भी आ गए, आ जाओ खट्टर साहब। खट्टर साहब ने पास किया था ये, और आज तक वो बने नहीं है। आप कहां रह गए थे खट्टर साहब? हैं अब तो है, ये तो खट्टर पास तो कभी कर रहा है, बना क्यों नहीं, बना क्यों नहीं? इन्होंने ये कहा है, नहीं एक 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 मिनट एक मिनट, इन्होंने ये कहा है कि ना, ए, मेवा सिंह जी ने ये मुद्दे विधानसभा में रखे थे, ठीक है ना, अगर हो गया होता तो ये मुद्दे क्यों उठाते? मुद्दा तो पता क्या है, पब्लिक क्या है, ये तो लाडवा है, लाडवा में कोई एमएलए आज तक परमानेंट बना? कोई कोई नहीं बना परमानेंट, तो कोई 5 साल के, 5-4 साल तो कोई बनता नहीं एमएलए। 10 साल में वहाँ सुधार आया, 10 साल काम हुए कुरुक्षेत्र में। अच्छा, होने कुरुक्षेत्र में काम होया? कुरुक्षेत्र में क्या होगा बताओ? बहुत बढ़िया काम हो रहे कुरुक्षेत्र। कौन जीतेगा? में विकास हुए। सुधा जीतेगा क्या? शोरगढ़ जीतेगा तो सुधा जीतेगा। हाँ आजो भैया, आजो आजो। क्या नाम है तुम्हारा? जसपाल। जसपाल उच्ची बोल। हाँ जी जसपाल है जी। गाँव? बापा। हल्का? हरदौर। हरदौर वाले भी आ गए भाई, ओ बस स्टैंड में सारे मिलते हैं, यहाँ पर यमुनानगर वाला भी आया था, हरदौर वाला भी। भाई ये बता, हरदौर में एक तो खड़े हैं बिशनलाल सैनी, दूसरा खड़ा श्याम सिंह राणा, करणदेव कंबोज की टिकट कट गई। अब कंबोज फैक्टर कितना काम करेगा? ऐसा जी वहाँ पे टक्कर है दोनों की। अच्छा, टक्कर है जी। टक्कर किसकी है? श्याम सिंह राणा और अपना बिशन लाल की जी। बिशन लाल, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर? वहाँ पे बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी रादौर में भी बीजेपी? हाँ जी, आजो बोलोगे? आजो आजो, ओ आगे आगे, ये भी आगे, ओ आजो आजो। क्या नाम है आपका? मसरूर खान है। मसरूर खान। क्या नाम उच्ची बोलो? मसरूर खान। मसरूर खान नाम है इनका। हाँ जी खान साहब, हल्का कौन सा बताओ? लाडवा ही है। लाडवा क्या लगेगा यहाँ पर भाई? कांग्रेस, दिल की बात बोलना। कांग्रेस की बीजेपी की दोनों की टक्कर है, दोनों में कोई साथ जीतेगा कौन? लोग क्या कहते हैं? लोग तो कांग्रेस नहीं कह रहे जी, कांग्रेस को। ये जी मसरूर खान ने भी बोल दिया। हाँ जी बेटे, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। उच्ची बोल बेटे। जसवीर सिंह नाम है। जसवीर सिंह गाँव? जसवीर सिंह धनौरा से। हल्का? लाडवा। क्या पूछना है लाडवा की? सारी लाडवे वाले हैं भाई यहाँ पर, लाडवे वाले में आगे भाई। अच्छा ये बताओ क्या लगता है इस बार इलेक्शन, दिल की बात जाना जी। सीएम जीतेगा यहाँ से। सीएम कौन? ये नायब सैनी। नायब सैनी, नायब सैनी का नाम लिया। हाँ जी आप बताओ जी। हाँ हाँ, आओ आओ, तू बोल ले। हाँ तू भी बोल, आ जा भी, आ जा। हाँ जी क्या नाम है आपका? लाल सिंह। ऊँची बोलो। लाल सिंह। लाल सिंह। हल्का? लाडवा। लाडवा क्या लगता है इस बार यहाँ पे? नायब लगता है, नायब सैनी नायब लगता है। अब ये इन सब नायब का है,
मुझे मुझे एक चीज बताइए, एक एक मिनट काका गाल सुन, गाल सुन। ओ भाई गायब, ओ बेटा बात सुनो, ओ लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, बात सुनो, बस सुन एक मिनट बात सुन। इन्होंने कहा नायब सिंह, ठीक है, जो तुम्हारा जो मेरी बात सुन, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट था कि बाईपास गर्ल कॉलेज का, ये कह रहा पास हुआ है, आप कह रहे विधानसभा में लड़ाई लड़ी, लड़ाई किस बात की लड़ी है? सुनो, जब विधानसभा ये बाईपास जो है ना, ये कांग्रेस का पास किया हुआ है, ये जब हुड्डा सरकार थी ना, तो ये बाईपास पास हो चुका था, जगह एक्वायर के लिए नोटिस, ये मैं बात कर देता हूँ, इसके लिए नोटिस भी आ चुके थे किसानों पे, जगह के एक्वायर भी हो चुकी थी, उसके बाद भाजपा सरकार आ गई थी, भाजपा सरकार के उस टाइम में ठंडे बस्ते में पड़ गया, 10 साल सेंटर में भी और स्टेट में भी भाजपा सरकार है, आज तक नायब सैनी हो चाहे पवन सैनी, नायब सैनी हो या पवन सैनी हो, इनके मुँह से आज तक सिर्फ एक बाइट बाईपास की दहा दो, अब इन्होंने बाईपास का मुद्दा रखा हो, उठाया हो या पास करने के में रखा हो, जो हो गया बात नहीं, जो भाई अंकल 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 एक मिनट नायब 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 बात सुन, तूने अपनी बात कर ली सारी, हाँ जी, कोई रहा तो नहीं गया, अब ये लड़का आंसर देगा, ऐसा है जी भाई साहब, अगर आप ये बात कह रहे हो ना, अभी कांग्रेस का पास करवाया हुआ है बाईपास, अगर भाजपा का पास नहीं कराया हुआ, अगर ये 5 साल पिछले मेवा भी तो रह गए भाई, अगर ठंडे बस्ते में है तो उसने क्यों नहीं उजागर किया वो बात, विधानसभा बोला विधानसभा हर विधानसभा 70 साल के अंदर कांग्रेस रही, बाईपास कहाँ था लाडवे का, हर विधानसभा सत्र में उठाया मुद्दा, और 70 पास कराया, लड़ाई ना करो, इससे पहले उठाया मुद्दा, इसका कोई मुद्दा नहीं, एक मिनट अंकल तू नहीं बोलना, चुप हो जाओ, एक मिनट तू नहीं बोल, एक मिनट चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, इन्होंने ये कहा है कि 70 साल तक, किन तू बोले सी, तो 70 साल तक कांग्रेस की सरकार पहले रही थी, हुड्डा साहब के 2 टर्नओवर थे, उसमें क्यों नहीं पूरा हुआ ये? उस टाइम ना इतना आबादी क्षेत्र नहीं था, अच्छा, इतना जाम नहीं लगते थे, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये कह रहे हो लड़ो ना अंकल, तू नहीं बोलना, बस चुप हो जाओ, आप ये कह रहे हो कि 10 साल में अभी बढ़ गई आबादी, बाजपाने से आबादी बढ़ गई, 15 साल से आप ये लगाते देख लो, अभी तो बिजली आती है, बिजली आती है, 24 घंटे थर्मल प्लांट लगे हुए हैं जो हुड्डा साहब के राज में लगे, बिजली तो आती है भाजपा के राज में, एक थर्मल प्लांट बताओ कौन सा लगा, भाई साहब जो नहीं, ऐसा है जी सुनो, जो सिलेंडर घर घर गाड़ी जा रही है सिलेंडर की, जी सिलेंडर ले लो, प्लांट नहीं लगा 15 साल के अंदर, बोलो तुझे बोलो, हाँ 15 साल के अंदर एक भी प्लांट नहीं लगा, जो प्लांट जो 10 साल पहले जो बेसिक थर्मल प्लांट नहीं लगा, 24 घंटे बिजली है, एक मिनट का भी कट बता, अंकल तुझे क्या 15 साल क्या ना, 5 साल तो हुड्डा साहब के आगे, उसमें क्यों लगा 10 साल, 5 साल और लगा खेतड़ वाला लगा था, कोई प्लांट नहीं लगा, नहीं लगा जमुनानगर प्लांट जो है पहले से लगे हुए, अच्छा ठीक है, चलो अंकल मेरी बात सुनो, कांग्रेस के राज नहीं ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, आप बताओ बिजली की समस्या हो रही हो, फिर बताओ जी आप प्लांट लगे नहीं आ रही है पिंडों में बिजली तो 24 घंटे, अच्छा नायब अब एक आ जाओ ये भी आऊंगा बोल, हाँ क्या नाम है, मनीष हल्का लौट भाई, ये बता मनीष, इन्होंने कहा है कि बिजली आ रही है, ये लड़का कह रहा है कि काम नहीं हुए, आप ये बताओ कि कहां तक सच्चाई, बिजली 24 घंटे 24 घंटे बिजली, अब सरकार काम तो कर रही है, फिर हाँ ना 24 घंटे बिजली, सरकार तो तेरी है, सुनो 24 घंटे बिजली आ रही है, इसका नाम है, मैं कह रहा 24 घंटे बिजली आ रही है भाई, 18 घंटे बिजली दूंगा पहले प्लान में, अगले प्लान में 22 घंटे, ना 18 घंटे बिजली मिली ना 22 घंटे मिली, नायब जी बोलो, जो थर्मल प्लांट लगे हुए हैं 4 आज कांग्रेस की उस पर ही लगे हुए हैं, और कांग्रेस की वजह से ये 24 घंटे बिजली मिल रही, सिर्फ एक एक चीज है, काम करेगी साल हो गए कांग्रेस, कोई भी सरकार है काम तो करेगी, ये कह रहे जब पहले था, ओ कहता है ये कह रहे कि अंकल, ओ एक एक बंदा बोलूगा, अंकल तू ही नहीं बोलना, ठीक है तू नायब, ठीक है आराम ना बोलना, रोला नहीं पाना, ठीक है, हाँ बेटा तू बोल, तेरा नाम क्या है, भूपिंदर सिंह, अंकल इन बोल दो, भूपिंदर जो नौजवान है ये बताओ आपके हल्के में नौकरियां कितनी लगी हैं, नौकरियां की तो छोड़ो जी, आप बाईपास की बात कर रहे हैं, ओ बाईपास छाड़ यार हो गया, एक मिनट बाईपास छोड़ो, ठीक है आप कुरुक्षेत्र से निकलोगे, वहां से नायब सैनी भी आ रहे हैं, ठीक है
इस रोड का हालात देख लो आप, आपको अपने मेवा था 5 साल उसके था ना, सरकार किसकी है, 10 साल किसकी, एमएलए कौन है इस टाइम लाडवे का एमएलए, वो तो बोल रहे हैं कहना एमएलए बोलिया वह विधानसभा में बोलिया, हाँ 56 दिन की सरकार में ये सारा, इससे पहले ना मेवा था। ओ बात सुनो, ओ एक मिनट गाल सुनो भाई, काका तू नहीं बोलना ज्यादा, मेरी गाल सुनो ठीक है, देख बेटे ये देखो देखो बात सुनो, ओ मेरी कुछ गाल सुनो यार, मेरी गाल सुन देनी यार, मैं बोल रहा हूँ ना, चुप हो, देखो देखो एक मिनट बात, ओ क्वेश्चन तक कर लेते मैं यार, बोली है ना तू गाल सुन, देख भाई देखो मुझे ये बता, बिजली आ गई चलो कांग्रेस से थर्मल प्लांट लगा ले कोई बात नहीं ठीक है, बिजली आ तो रही है ना ये तो मान रहा है। दूसरी है बेटा, तुम नौजवान है बेटे, तुम्हारे यहाँ पर कितनी नौकरी लगी ये बता दे, नौकरियों को तो सच बोली नहीं, सबसे ज्यादा यूथ बाहर गया जो इन 5 सालों में गया, सच्चाई बात है ये, सबसे ज्यादा यूथ बाहर गया, सबसे ज्यादा नौकरी भाजपा सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची से मिली है, वो मिली है नहीं, बात सुनो भाई, जो सिलप नहीं मिली है, मेरी बात सुनो, फार्म भरे गया नौकरी बता दे किसको मिली, 1,20,000 कच्चे कर्मचारी, मैं भी अरे नहीं एक कलम से पक्का हुआ जी, मैं एक कलम से पक्का हुआ भाई, नहीं 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 जातिवाद, एक बार बोलो जातिवाद आ भी रहा इस बरादरी में, सैनीवाद आ भी रहा, जो यहाँ के सांसद और पूर्व विधायक पवन सैनी रहे उन्होंने सैनी बरादरी के अलावा किसी बरादरी का कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ यहाँ इस एरिया में कितनी नौकरियां लगी, अरे हम तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, लगा था हाँ या ना यार, हुड्डा तो नहीं था, नहीं लगा था, नहीं लगा था 20 साल हो गए, हाँ भाई 20 साल के, अब मुझे एक चीज बताओ भाई, एक चीज तू नहीं बोलना अंकल, चुपचाप खड़ जाओ, उड़े खड़ मेरे को, अब मुझे एक चीज बताओ भाई, सारे मुझे ये बताओ, एक एक सवाल का एक एक आंसर बोलना, तू फालतू नहीं बोलना, अपने मौजूदा एमएलए को कितने नंबर देता है, अपने मौजूदा एमएलए को एस टाइम है 10 में से 9 क्यों देता है, जबकि सारा काम विपक्ष का नेता है, वो कोई पक्ष का कोई एमएलए तो है ना, अरे विपक्ष का है, पक्ष का कोई है, आवाज तो उठाते होंगे, या तो आप बीजेपी का पटका पालो, मैं क्यों पाऊंगा, फिर आप ऐसे ही बात कर रहे हो, फिर बता ना, फिर नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, नौ नंबर क्यों दे रहे हो बताओ यार, सरकार के खिलाफ हो गए बने अगले 5 साल पूरे, ये बंदा कांग्रेस का इसकर 9 नंबर दे रहा, तू किसका है, तू नवीन जिंदल लाए पे टी शर्ट का मर दे, तो कोई सा दे दे उसी की पैर का देंगे हम तो कोई, अच्छा ये बता तेरा गांव कौन सा, मेरा गांव छपरा, ओ इसको ही बोल अंकल, तू नहीं बोलना इसको बोलने दे, हां ये बता अभी गांव कौन सा तेरा, मेरा छपरा जी, हल्का लाडवा, बिहार वाला छपरा तो नहीं, ना ना ये छपरा अपना, अच्छा ये क्या लगता तुझे, हां जी क्या लगता है इलेक्शन में किसका जोर है, इलेक्शन में बीजेपी का चल बीजेपी कह रही है इसने, ठीक है ना, आ जाओ भाई, बंदा ठीक है, खतरनाक बंदा आप तो बाहर के हैं, बाहर का कहां का, यूके का, नहीं नहीं हां आप मेरे नीलोखेड़ी से हैं, नीलोखेड़ी भी आ गए, और खड़ जाओ भाई, इधर आओ नीलोखेड़ी, हां क्या पूछना है वहां पर, भाई कुछ नहीं, आप जो जीत गया वही अपने लिए ठीक है, जो जीत गया वही हमारा अपना, हां आ जाओ भाई, हां बोलेगा कोई, आओ भाई हाँ जी, क्या नाम आपका भाई, वीरेंद्र कुमार जी, कैमरे की तरफ देखिए, हाँ जी हल्का कौन सा, हल्का तो मेरा इंद्री है, इंद्री वाले भी आ गए ओ अंकल, इंद्री वाले चुप हो जाओ तू नायब, इधर आ इंद्री वाले भी आ गए, हाँ क्या पोजीशन इंद्री, हमारे बाद राकेश कंबोज बनेगा 40,000 वोटों से, इन्होंने वोट अनाउंस भी कर दी इलेक्शन से पहले 40,000 से बनेंगे, चल भाई ठीक है, वो कश्यप एमएलए था उसने एक टाकी भी नहीं लगवाई, उससे पहले करण देव था उसने काफी काम करवाए थे, करण देव जी ने काम कराए हैं, पर उसकी उसके काम पे उसके टाकी भी नहीं लगी, तभी अपोजिशन कैंडिडेट बनेगा, हाँ जी आप बोलो भाई, कौन बोले, कांग्रेस की 65 सीटें आ रही, 65 सीटें आई, 65 सीटें कांग्रेस की कह रहे हैं, हाँ अच्छा आ इधर आ जाओ भाई, कौन, हाँ आ जाओ भाई, यो भी बोलेगा क्या नाम है, सचिन है जी मेरा नाम, सचिन नाम है, हाँ जी अच्छा, मेरा तो यू अलका ही नहीं आता जी, मेरा पेवे अलका हुआ, पेवे वाला भी आ गए भाई, ओ पेवे वाले आ गए, हाँ पेवे क्या पूछना है, पेवे तो फाइट है जी हमारी सीट के ऊपर, तो वहाँ पे डीडी शर्मा और उसकी है जो अपना चट्टा साहब है, मनदीप चट्टा, अच्छा दोनों क्या लगता है उधर किसान आंदोलन चलेगा, किसान आंदोलन कुछ नहीं चलता जी वहाँ, अच्छा भाई मुझे एक चीज बताओ भाई, एक किसान आंदोलन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस इलेक्शन में बताओ, फर्क तो ही है जी किसान, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी पड़ेगा, हाँ मैं बोलूंगा, हाँ यहाँ ये बोलेंगे, क्या नाम है, साहब सिंह है,
हल्का लाड भाई यार। अच्छा क्या लगता है? मैंने ये बोला है मेरा गाँव धनोर जटाना है, उड्डा के टाइम में जो भी मान ले कलोनी कट चुकी थी तो उन्होंने काटी थी, आज तक भी उसमें मान ले जो उड्डा के टाइम में गली बन चुकी थी और वो ट्रांसफार्म जो खंबे लगे थे वो लगे थे, आज तक ये 10 साल हो गए इनकी सरकार को, उसमें आज तक पाइपलाइन तक नहीं बिछी। वो बिजली तो आ रही है खंबे पे, ट्रांसफार्मर बिजली आ गई है, कह रहा बिजली आ रही है। तो फिर वो तो खंबे पे लटकाने पे मजबूरी है इनकी, फिर देनी पड़ेगी उनको मजबूरी है। हां भाई हां, तो तू बोल भाई। ओ ये भी आ गया, आ गया जी, पुन्नू राम है जी। क्या पुन्नू राम? पुन्नू राम कहां रहता है? मैं तो यहीं पास ही रहता हूं। हल्का कौन सा? विजय कुरुक्षेत्र जी। क्या लगता तू यहां पर पोजीशन क्या है? हां जी यहां पोजीशन क्या है? बस जिसकी दे दी वोट उसी की। अच्छा ठीक है चल। हां ओ देखो भाई रोला नहीं पाना, अंकल को कह रहा अंकल रह गया, आओ कौन रह गया? आप बोलोगे जी? ये बे बोलेंगे आगे आगे आगे। ओ खट्टर साहब, ओ खट्टर साहब तुझे नहीं बोलना, बस एक मिनट चुप हो जाओ। हाँ क्या बोलो जी? हाँ। क्या नाम है आपका? जगमाल सिंह राणा। जगमाल सिंह कहाँ रहते हो? ओ बोलना नहीं भाई, एमएलए बाद में बोलना, मुझे काम करने दो। हाँ लाडवा। क्या लगता है आप रहते कहाँ हो? लाडवा। क्या पोजीशन लगती है आप बताइए? बराबरी लग रही सारों की अभी। अच्छा बराबर लग रही है। अच्छा ये बताइए जो आपके पुराने एमएलए थे उन्होंने कौन से काम कराए? उन्हें कोई काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं करा अभी पुराने एमएलए ने, उन्होंने कह दिया। अब इसके बारे में क्यों बोलेगा ही? इन्होंने कहा कि आज आप कह रहे थे ट्रांसफार्मर वाली बात, ये कह रहे पुराने एमएलए ने कोई काम नहीं कराया, बताओ कितना पुराना एमएलए जो अपने मेवा सिंह जी हैं? हाँ कहते काम नहीं कराया क्योंकि वो तीन सड़क बनाई ना, तीन सड़क बनाई है। लो बोलो कहाँ से बनाई? ये धनोरा और वो भल रहे हो, पूरी सड़क उन्होंने बनाई है बकाली से। इनका इलाका है देखेंगे, हम तो देख नहीं सकते वहाँ। आप चल जाओ पाकिस्तान में थोड़ी है, यहाँ पर जाकर देखो। नहीं हम गांव से हैं, ये लाडवे के हैं। हाँ। अभी थोड़ी तो कोई नहीं है इनका, वो नहीं था। अच्छा हाँ जी। अच्छा हाँ बोलो जी, ये कह रहे हाँ ये आजो 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 शर्माओ ना, आजो आजो। हाँ अभी आ गए। हाँ जी क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी हल्का लाडवा। क्या लगता है? हाँ जय श्री राम। अच्छा जय श्री राम, हिंट दे दिया जय श्री राम का मतलब समझ लो क्या भाई? जय श्री राम का हिंट दे दिया समझ लो। हाँ आ जा भाई तू भी आ जा। ओ आ जा, ओ पंजाब गड्डी च बचूंगा तू, आ जा। हां क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रिंकू है जी। रिंकू रहता कहां? मैं पिपली, बीड़ पिपली गांव है, लाडवे हलके में है। लाडवे हलके में लास्ट गांव होगा मतलब? हां हां जो लास्ट गांव वाले भी आ गए भाई, लास्ट गांव वाले भी आ गए। अब क्या लगता है रिंकू तेनू दस? जय श्री राम। जय श्री राम हिंट दे दिया अभी। हां तुम बोलो। बीजेपी जीतेगी जी। हां काम करे हुए हैं जी उन्होंने। अच्छा काम करेंगे। अच्छा लाडवे के अंदर ग्रांट आई जी। अच्छा ये यूथ आ गया लड़का भाई, इसको भी पूछ ले। हैं हाँ बेटा क्या नाम है तेरा? जी कह तो जो मर्जी दे। नाम क्या तेरा? निखिल है जी। कहते कह तो जो मर्जी दो, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा नाम अच्छा। निखिल है, वैसे जो मर्जी कह लो पर श्री राम का सारा दे रहे, हम सीधा कह रहे नायब सैनी बनेगा यहाँ। नायब सैनी, नायब सैनी का नाम लिया इन्होंने। देखिए आप यहाँ पर देख रहे थे रिपोर्ट, जो हमने ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखाई है लाडवा से, और हमारे बीच में है क्या नाम है बेटा? हर्ष। कहाँ रहते हो? लाडवा के हैं जी। रेड रोड पर। अच्छा ये बताना है कि यहाँ की पोजीशन क्या है लाडवा की? जो हॉटर सीट बनी हुई है यहाँ पर, नायब सिंह सैनी खड़े हैं मुख्यमंत्री, और मेवा सिंह जी जो आपके वर्तमान के एमएलए हैं कांग्रेस से, वो खड़े। क्या लगता है आपको? सर टक्कर का मुकाबला है सारा जी, कांग्रेस की वोट पूरी दबके है जी यहाँ पे। अच्छा। सीएम साहब की पूरी दबके है वोट, फिर दब के आगे कहाँ जाएगी ये तो देखते हैं जी। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जा दो, उससे नहीं जीते जी, थोड़ी थोड़ी वोट से जीतेंगे, जो जीतेगा एक बनेगा जो। मार्जिन कम होगा जी। यहाँ के मेन मुद्दे क्या थे? मेन मुद्दे सर एक हाईवे निकालने चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं थी, भीड़ रहती है, दो दिन में सड़क बन जाती है, खड्डे हो जाते हैं, पानी पानी इतना भरा रहता है जी। अच्छा हाँ जी आइए। हाँ जी क्या नाम है आपका? मैं तो बलविंदर सिंह है जी। बलविंदर सिंह कहाँ रहते हो? मैं तो यहीं का हूँ जी, दूधले गाँव का, बस मार्केट में घूम रहा था। अच्छा हल्का हल्का क्या है? अपना यही लाडवे से ही हूँ। क्या पोजीशन लगती है लाडवा की? पोजीशन क्या है वो क्या कह सकते जी हम तो, मैं तो क्या कह सकते, किसी पर भी डाल दो क्या दिक्कत, बोर्ड जू डालना पर। हाँ बोर्ड जू डालना। हाँ जी अब आगे चलते हैं। नमस्कार जी। कैमरा घुमाना जरा, कह रहे सारा साफ सफाई होनी चाहिए। मेन सड़क है ये? मेन सड़क है, मेन रोड है, ग्रिले टूटी पड़ी है। अच्छा ये जाती कहाँ है? बस ये गवर्नमेंट का काम है, एक बार नहीं ये सड़क जा कहाँ रही है पीछे को? ये पीछे यूपी की तरफ जा रही है। यूपी की तरफ जा रही है, मेन हाईवे मतलब ये। राकेश जी आइए पीछे जरा। राकेश जी अब आप हमें ये बताएं कि मेन मुद्दे यहाँ पर क्या हैं, आपको क्या लगता है कि जो जो एक काम रह गया हो कौन सा चाहिए आपकी नज़र में, कौन सा काम है मेन जो होना चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले ये पावर हाउस है, पावर हाउस को तोड़ के नया बनाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास आन। अच्छा जी लाडवे का। अच्छा तो इन्होंने मांग की है जो भी एमएलए बने, लेकिन की मांग है कि पावर हाउस दोबारा से तोड़ कर बढ़िया बनाया जाए। आज हम आगे चलते हैं, दिक्कतें क्या हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव कहाँ रहते हो आप? लाडवा से। ये दुकान कितने साल पुरानी पहले बताइए? कम से कम 60 साल।
60 साल हो गए, तो 60 साल में आपने यहाँ पर क्या डेवलपमेंट देखी? जब जब दुकान खुली होगी तो अब ये तो बना नहीं होगा ना, उस समय से अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट तो अभी ये लगा लो कि रोड डबल हुए हैं, बाकी इतना ही डेवलपमेंट है। बाकी तो मेन मुद्दे कहाँ हैं यहाँ के? मेन मुद्दे क्या? मेन मुद्दा लाडवा का बाईपास का है जी। सारे बाईपास का कह रहे हैं ना? बाईपास का मुद्दा सबसे बड़ा शहर का मुद्दा है जी, बाईपास का। अच्छा। और साफ सफाई का मुद्दा है जी, हमारे नाले यहाँ कच्चे हैं। अच्छा जी, ये नाले पक्के होने चाहिए, यहाँ का मुद्दा है। तो आप ये बताइए, जो इलेक्शन अब हो रहा है, आपके पास मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ मेवा सिंह जी हैं, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होता है लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है ना? तो आप बताइए ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? देखो जी, इलेक्शन का तो कुछ कह नहीं सकते हम क्या किस तरफ जाएगा, लेकिन वोट डालना सभी का अपना अधिकार है। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि वोट जरूर डालें, वोट डालना अधिकार है, बहुत अच्छी बात है। वोट किसी मुद्दे पर डालना चाहिए बंदे को, उसका मुद्दा वोट का होना चाहिए, भी भ्रष्टाचारी ना हो और शहर के लिए जो बंदा काम, स्वच्छ लोकतंत्र होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। नमस्कार, या बोलोगे आप जी? अच्छा जी, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम सतीश कुमार है। ऊंची बोलिए जी। सतीश कुमार जी, आप कहाँ रहते हो? आप यही लाडवे रहते हैं। अच्छा, मेन यहाँ पर मुद्दा क्या है जी? मेन यही बाईपास, ये पानी पुणी खड़ा होना। अच्छा, ये आप मौजूदा एमएलए को कितने नंबर देते हो 10 में से? कौन सा एमएलए? ये आपका मेवा सिंह जी है एमएलए, कितने नंबर देते हो 10 में से? ये तो बराबर की टक्कर है जी, बराबर की टक्कर है, इन्होंने बराबर टक्कर की। आप हम बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? शाम सानी। आप यही लाडवा से? हाँ, अभी तो लाडवा से ही। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है आपको कि इलेक्शन का? इलेक्शन का देखो, जो अपना सीएम है वो जीते गए। सीएम के ऊपर विश्वास लाया। हाँ जी, आपका नाम जी? कृष्णपाल जी। कृष्णपाल जी, क्या लगता है इस इलेक्शन? यहाँ कांटे की टक्कर आ जी। कांटे टक्कर किस किस बीच में है? वह चांस ज्यादातर मेवा सिंह की। मेवा सिंह, इन्होंने मेवा सिंह का नाम लिया है। हाँ जी, आपने बोलना नहीं। हाँ जी, आप बोलोगे? हाँ जी, ये बोलेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? देवान चंद। आप कहाँ रहते हो जी? लाडवा। अच्छा, क्या लगता है इस बार इलेक्शन में? तो सीएम के साथ ही है जी। सीएम के साथ मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी खड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। तो कन्हैया कुमार जैसे गद्दार के साथ हाथ मिला सकती है उस पार्टी पर, क्या भरोसा करेंगे? हाँ, देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कन्हैया कुमार जो देश का सबसे बड़ा गद्दार है, उसके साथ जो हाथ मिलाएगा तो गद्दार होगा देश का। तो कांग्रेस तो गद्दार पार्टी है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है इस बार? इस बार ये भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शर्वणा जी। शर्वण, कहाँ रहते हो? लाडवा जी। अच्छा, लाडवा की पोजीशन क्या लगती है आपको, ये बताइए? नौजवान नो आप? हाँ जी। किस साइड को इलेक्शन जा रहा है ये बताइए? इलेक्शन कांग्रेस की तरफ जा रहा है जी। यहाँ पे अपना नायब सैनी थी, यहाँ से सांसद से 5 साल आगे ने देखा यहाँ पे एक बारी भी। हाँ, देखिए, आप ये सभी लोगों ने ये बताया कि सैनी साहब से एक ही इनको गिला शिकवा है कि वो यहाँ पर आए नहीं है। बड़े ही नहीं जी, 5 साल में यहाँ पे सैनी साहब बड़े ही नहीं कभी। अच्छा जी। और कैसे वोट दे देंगे उनको? अब इलेक्शन का टाइम आया, एक एक के घर जा रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्शन के टाइम तो जाते हैं सभी जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इलेक्शन के टाइम में इसलिए आपकी बार बदलाव है जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है? रमेश चंद। कहाँ रहते हो आप? बूथ माजरा हल्का लाडवा। अच्छा, ये बताइए गाँव की पिछन क्या है? गांव की सिचुएशन बहुत बढ़िया है आपका। क्या लगता है? मेवाराम जी को कह रहे हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, मेवा सिंह जी मिलेंगे। हाँ जी, ठीक है। देखो, बीजेपी ने स्वयं कागजों के और कोई काम नहीं कराया, तो हर तो आपके गांव में नौकरी लगी नहीं? हर एक आदमी तबके में सब नाराज है, और कोई आदमी जाके गांव में कह दे अभी इन्होंने ये विकास कार्य हमारे लिए ये किया। अच्छा। या कोई कह दे अभी हमने नौकरी भी लगाए। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, आपको पार्टी की तरफ से नाराजगी है कि स्थानीय लीडर की तरफ से नाराजगी है? पार्टी की नहीं है जी, हम तो विकास कार्य चाह। कल भी है, अभी नारायणगढ़ से क्यों नहीं लड़ा इलेक्शन? वहाँ से भी तो लड़ सकते थे। पवन सैनी है, वहाँ भेज दिया हमारे जो लाडवे से पहले पूर्व एमएलए थे पवन सैनी जी, वो वहाँ से भेज दिए, और ये नायब सैनी जी यहाँ, जिसकी अच्छी सब छवि होगी ना तो अपने एरिया में भी वो जीत सकता है बंदा। इन्होंने कहा कि अगर होना चाहिए ना, इन दोनों ने मुद्दा उठाया कि अगर देते तो स्थानीय नेता को देते यहाँ के लोकल को। हाँ, मेवा सिंह जी सबके दुख सुख में आते हैं, एक रास्ते में भी हाथ दे लेंगे ना तब भी गाड़ी रोकेंगे। अच्छा जी, सच है जी। अच्छा। देखो, जो चीज सच है तो सच ही कहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेवा सिंह अगर किसी का अच्छा काम हो गया उसमें भी जाएंगे, और कोई माड़ा काम हो गया उसमें सबसे अगर सीखोगे। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। इस करके हमने ये कैंडिडेट हमने न्यू ठीक लगाया। मतों से जीतेंगे मेवा सिंह जी यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मतों से जीतेंगे। ठीक है, ये नहीं है, बहुत अच्छे थे। अच्छा, और नायब सिंह जो ये सैनी साहब खड़े जमान से नाराजगी किस बात की है नायब सिंह से? नायब सिंह से नाराजगी इस बात की है कि ये पहले एमपी बन के गए, तब नीस ने शकल दिखाई, और अब 6 महीने से
हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 6 महीने में कोई भी काम। ठीक है, हाँ जी, ये बात ठीक कह रहे हैं। सही है बात, सही बात, इन्होंने सही बात कही है। आपका नाम क्या है जी? दीपक कुमार है सर। हल्का लाडवा। कहाँ पर लाडवा कह रहे थे? संगम मार्केट में सर। अच्छा, ये बताइए जो इलेक्शन हो रहे हैं आपके यहाँ पर, उसको कैसे देखते हो आप? सर हमें बस हमारे यहाँ पे लाडवा में विकास हो सर। अच्छा। हाँ जी सर, और रोजगार मिले जी सर। यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री खड़े हैं और साथ में मेवा सिंह जी खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, मुकाबले की टक्कर है सर, पूरी बिल्कुल सर। अच्छा, जो 100 दिन का काम हुआ है। हाँ जी सर, नायब जी रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ जी, हाँ जी सर, देखते हो यहाँ पर कुछ हुआ? नहीं सर, उसमें तो कुछ हुआ नहीं सर। यहाँ के मुद्दे कौन कौन से हैं मेन? सर एक तो बाईपास का है सर यहाँ पे, जो मेन बाई से रोड ट्रैफिक जाम होता है सर ये, और बेरोजगारी का सर, और एक नशा। अच्छा, नशा, तीन मुद्दे हैं। हाँ जी सर, नशा 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 भी है सर। आपका नाम जी? सुलिंदर कुमार। सुलिंदर कुमार, उड़ाना जी। हल्का? मेरा तो इंद्री है जी। इंद्री में ये सुरेंद्र उड़ाना है जी। हाँ जी, मेन मुद्दे तो बस यही है जी, मान ले कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन चलो इससे अच्छा बीजेपी ने तो किया है। अच्छा। बाकी उससे अच्छा सुरेंद्र उड़ाना है जी, जो बीएसपी का कैंडिडेट है। अब जंकित है जी, राज राज राज, बदरपुर गांव, लाडवा। मुद्दे जी नायब सैनी के हैं जी वैसे तो। हाँ जी, हाँ जी, बस जी ठीक है जी, गरीब क्या कम सरकार है जी। हाँ जी, मुद्दे से सबसे बड़ा है बाईपास का है जी। सभी बाईपास को कह रहे हैं। हम बाईपास से, इतने हमारी लाइफ लाइन थी जी वो। अच्छा, और हुड्डा जी ने हमारे लिए बहुत नुकसान करा उस टाइम। अच्छा। वो मंजूर हो चुका था, उठा के यहाँ से अपने रोहतक ले गया जी। अच्छा। जितना नुकसान हमारा हुड्डा जी ने किया ना इस इलाके का, किसी सीएम ने नहीं किया जी। हम तो जो भी मुख्यमंत्री आए, कोई आए जी, हम तो हमारी लाइफ लाइन है हमारा। हम कैंडिडेट है उसको, हम कह रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ जी, तो आए हूँ, हम उनको देखते हैं भी हमारा काम होगा ना होगा जी। यस में जी, लेकिन का विधायक बनता है ना जी, वो जैसे विधायक ना इलाके में है ना कोई होगा जी। वो बिना विधायक के भी काम करता है सबके जी, बिना विधायक के 20 साल से सरकार नहीं है, लेकिन सबके काम करता है जी।